अरे मेरे पैसे कहाँ गए? यही तो रखे थे। बेटर बेटर अरे बेटर। यस सर, आपने बुलाया? कुछ और चाहिए था आपको? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मेरे यहाँ पे ना पैसे रखे थे। वो पैसे कहाँ गए? सर ये तो है। अरे ये तो हैं, इससे भी ज्यादा रखे थे, लेकिन वो पैसे है ही नहीं अभी। सॉरी सर, लेकिन मुझे आपके पैसों के बारे में बिल्कुल नहीं पता। मैं तो सिर्फ पानी देने आई थी। हाँ तो तुम्हारे अलावा कोई नहीं आया? कोई नहीं आया पता है, लेकिन मैंने आपके पैसे नहीं लिए। देखो मुझे ना चुपचाप बता दो मेरे पैसे कहाँ हैं। सर जब मैं आपको बोल रही हूँ तो आप मेरा विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं तो आपसे कह रही हूँ कि मुझे आपके पैसे नहीं पता, मैं क्यों चोरी करूँगी आपके पैसे? इसलिए चोरी करोगी क्योंकि तुम्हारे अलावा कोई आया नहीं है, समझे तुम? और पैसे ना तुमने लिए हैं, इसलिए मेरे पैसे चुपचाप दे दो। बस सर, मैं आपसे कुछ कह नहीं रही, इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझसे कुछ भी बोलने जाएंगे। जब मैं मना करूं कि मैंने पैसे नहीं लिए, तब मेरे ऊपर इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? बड़ी बदतमीजो, एक तो पैसे ले लिए हैं, ऊपर से जुआ लड़ा रही हो। आप जैसे कस्टमर्स ना मैं रोज देखती हूँ, जिन्हें बिल तो अपने घर में नहीं होता, इसीलिए ऐसे ड्रामा करते हैं। अच्छा, मेरे ऐसे कस्टमर रोज देखती हो, जानती हूँ मैं कौन हूँ। ऐसे चार राशन खरीद लूंगा मैं, समझी? अच्छा आप चार राशन खरीदेंगे ऐसे? तभी तो आप इतने पैसों के लिए यहाँ पे ड्रामा कर रहे हैं। मुझे ना तुमसे कोई बहस नहीं करनी है क्योंकि तुम बदतमीज हो। यहाँ के मैनेजर को बुलाओ। देखिए हमारे जो मैनेजर है वो ऐसे आप जैसे लोगों से मिलते नहीं है। मैनेजर, अरे बड़े बदतमीज हो यार तुम। तुमसे कह दिया ना मैंने पैसे नहीं चुराए, फिर फालतू में ड्रामा क्यों कर रहे हो? निकलो यहाँ से। पैसे ना तुमने लिए हैं, समझे तुम? और मैं ना पैसे लेके रहूंगा। मैनेजर मैनेजर। जी सर, क्या हुआ? अरे कैसे बैठ रखे हुए हैं, तो बात करने की तमीज नहीं है, कस्टमर से किस तरीके से बात करी जाती है? अरे सर हो क्या क्या, मेरे को समझ नहीं आ रहा। अरे सर देखिए ना, इन सर के पैसे पता नहीं कहाँ गुम कर दिए, और ये मेरे पे इल्जाम लगा रहे हैं कि मैंने पैसे चोरी किए। भला मैं क्यों पैसे चोरी करूंगी? देखो मैं यहाँ पर डेली आता हूँ, लेकिन मेरे साथ आज तक ऐसा नहीं हुआ, और आज इसने मेरे पैसे चोरी कर लिए। अरे नहीं नहीं सर, मैं मानता हूँ आप डेली आते हैं, लेकिन ये भी हमारे यहाँ पे बहुत पुरानी एम्प्लॉई है, ये भी हमारे यहाँ पे बहुत टाइम से काम कर रही है, इन्होंने आज तक ऐसा कुछ नहीं किया। आपको ना कोई गलतफहमी हुई होगी। देखो मुझे ना कोई गलतफहमी नहीं हुई है, मुझे सब पता है, पैसे ना इसीलिए लिए है, और मैं पैसे लेके जाऊंगा। अगर मेरे पैसे नहीं दिए ना तो मैं पुलिस में कंप्लेंट करूंगा, समझे तुम? अरे नहीं नहीं, आप पुलिस में कंप्लेंट मत करिए। मैं ना एक काम करता हूँ, ये ना ऊपर सीसीटीवी लगा हुआ है, मैं अभी चेक कर लेता हूँ कि आखिर बात क्या है। अगर इन्होंने पैसे चुराए होंगे ना तो सच सामने आ जाएगा। ठीक है। अरे नहीं नहीं सर, आपको सीसीटीवी फुटेज चेक करने की क्या जरूरत है? ऐसे टुच्चे लोगों की वजह से आप इतना सब कुछ करेंगे? इनसे कहीं रास्ते में पैसे कर गए और ये मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। अरे कोई बात नहीं रोशनी, एक बार सर को क्लियर करने के लिए ना मैं सीसीटीवी चेक कर लेता हूँ। सर ले लीजिए आपका पानी। फाइल तो कंप्लीट है। अरे ये पैसे कहाँ गए? अरे ये सब क्या है? इसका मतलब पैसे तुमने चुराए हैं? देखा मैंने बोला था ना, इसी ने मेरे पैसे चुराए हैं, और झूठ बोल रही थी ऊपर से। क्यों रोशनी, तुमने सर के पैसे चुराए और ऊपर से तुम झूठ बोल रही हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत? तुम हमारे कैफे में काम कर रही हो और हमारे कैफे में जो भी कस्टमर आ रहा है तुम उसके पैसे चुरा रही हो? तुम हमारे कैफे की रेपुटेशन डाउन करना चाह रही हो? मैं ना तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं ना तुम्हें पुलिस के हवाले करके रहूंगा। नहीं नहीं सर प्लीज ऐसा मत करिएगा, आई एम सो सॉरी। और इनके पैसे मैंने मजबूरी में चुराए थे, वरना मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। अच्छा मजबूरी, पैसे चुराने की क्या मजबूरी हो सकती है तुम्हारी? तुम ना हमारे कैफे का नाम बदनाम कर रही हो, हमारे कैफे में जो भी आ रहा है तुम उसके पैसे चुरा रही हो, और ऊपर से बोल रही हो कि मजबूरी है तुम्हारी। सर मैं आपको पूरा सच बताती हूँ, आप सुनिए तो सही। एक्चुअली सर मेरी मम्मी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है और मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे उनके इलाज के लिए, और यहाँ पे सर रोज आते थे और अपने पैसों का हिसाब करते थे, तो वो पैसे देख के मेरे मन में लालच आ गया, इसीलिए वो मैंने पैसे चुरा लिए, वरना मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती। आपको तो पता है ना कि मैं आपके रेस्टोरेंट में कब से काम कर रही हूँ। हाँ मुझे पता है कि तुम हमारे यहाँ पे कितने टाइम से काम कर रही हो, इसलिए तो मुझे विश्वास ही नहीं होता कि तुम ऐसा कर सकती हो, लेकिन तुमने ना ये बहुत घटिया हरकत करी है। मैं ना अभी पुलिस को फोन करता हूँ। अरे नहीं पुलिस को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, उन्होंने जो कुछ भी किया है मजबूर में अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे चोरी करे हैं, और मैं नहीं चाहता कि ये पुलिस में जाए। लेकिन सर चोरी करना तो गलत है ना? हाँ मुझे पता है चोरी करना गलत है, लेकिन मैंने बताया तो जो कुछ भी किया है मजबूरी में किया है, और हाँ वो पैसे ना तुम्हें रख लेना अपनी माँ के इलाज के लिए, मैं यहाँ पर रोज आता हूँ और अपनी माँ की खबर देते रहना, और आगे पैसे की जरूरत पड़े तो मुझे बता देना।
थैंक यू सो मच सर, मैंने आपके साथ कितना गलत किया, आपके पैसे चुराए और आपने मेरी जॉब बचाई। आप सच में बहुत महान हैं और मैं आइंदा से ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगी। अरे कोई बात नहीं, वैसे भी बुरे वक्त में लोगों का साथ देना चाहिए, यही इंसानियत होती है।